Jai Shri Ram. Hello friends, our today's article is pair of linear equations in two variables. आज हम पढ़ेंगे pair of linear equations in two variables. कि linear equation in two variables के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है linear equations जो होती हैं. क्या होती थी linear equations? Linear equations are those equations in which variables have power 1. जिसमें variable की power 1 होती थी. Linear equations का मतलब क्या होता था? Variables have power or index 1. कि ऐसी equations जिनमें variables का जो index या power होती थी 1, उन्हें linear equations कहते थे. Now in two variables, इसका मतलब दो variables होंगे. दो variables means like ax plus by plus c is equal to 0. You can say a1x, b1y, c1 is equal to 0. This is one. Pair माने pair हमेशा two का होता है. Pair of shoes. So second equation is also there. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. आप ये भी जानते हैं, you know very well that a linear equation always represent a straight line graphically. कि यदि इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करें, इस इक्वेशन का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा. मींस स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आएगा, यहां जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन. तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता था स्ट्रेट लाइन आता था. अब दो इक्वेशंस हैं तो दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी हमारे पास. कितनी आएंगी भाई? एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की वजह से, एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की वजह से. तो दो स्ट्रेट लाइंस ग्राफिकली आएंगी. तो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, अब दो स्ट्रेट लाइन आएंगी, एक स्ट्रेट लाइन इसकी वजह से आएगी और एक स्ट्रेट लाइन इसकी वजह से आएगी. तो अब क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं. पहला, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इफ graph of pair of linear equations is two intersecting lines, then equations have unique solution. तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी, दैट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कॉल्ड कंसिस्टेंट. और ऐसी इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहा जाता है. नाउ सेकंड, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस दैट इज बोथ लाइन कम इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी. बोथ लाइन कम ऑन अ सिंगल लाइन, किसी एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन आ जाएंगी.
ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, ऐसी इक्वेशन को कंसिस्टेंट तो होती है लेकिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। इसके लिए यदि मैं इक्वेशन यहां से देखूं तो इसके लिए पर्टिकुलर जो इक्वेशन हमारी आएगी a1 अपॉन a2, कंडीशन जो आएगी इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एल्जेब्रिक कंडीशन। यदि इसके जो वेरिएबल्स हैं इसके हिसाब से a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो ऐसी हर एक इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें पता चल सकता है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो आपकी अलजेब्रिक कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 बराबर आए b1 अपॉन b2 के और वो इक्वल आए c1 अपॉन c2, तो ऐसे इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। इसका ग्राफ सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरीके से एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइनें होंगी। नाउ थर्ड वन, तीसरा क्या हो सकता है, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस आ जाए, पैरेलल लाइंस इफ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस इज पैरेलल लाइंस देन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। एलजेब्रिकल जो आपकी भी कंडीशन होगी वो आपकी कंडीशन होगी इस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां वेरिएबल्स का रेशियो देखकर ही हम बता सकते हैं कि भाई हमारी कैसी लाइंस आएंगी। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए तो ऐसे इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, या आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल आए तो उसे देख के ही पता चल जाएगा कि हमारी कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएंगी, डिपेंडेंट भी कहते हैं। पैरेलल लाइंस में यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशंस का, क्योंकि पैरेलल है, कहीं भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसी इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। I am taking exercise 3.1. Exercise 3.1, first question,
पहला क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. आफ्ताब दो इसमें दो लोग हैं, एक तो है आफ्ताब और एक उसकी डॉटर. तो लेट मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू वाई ईयर्स. तो दो लोग बातें कर रहे हैं तो आफ्ताब क्या कहता है अपनी डॉटर से, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. 7 times ago, तो 7 times ago, सॉरी 7 years ago, यस 7 years ago एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 years, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू वाई माइनस 7 years. नाउ आफ्ताब सेड दैट 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, कि मैं आप मेरी एज आपकी एज की 7 times थी. तो मीन्स जो डॉटर की एज है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्ताब की एज आ जाएगी. आफ्ताब कहता है भाई 7 years ago माई एज इज 7 times एज योर एज. तो अकॉर्डिंग टू द सम क्योंकि आफ्ताब की एज 7 साल पहले अब उसकी बेटी की एज की 7 times थी, सो वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7. सॉल्विंग इट y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49. फर्दर सॉल्विंग y को उधर ले जाएं तो 7x माइनस y 49 को इधर, तो 49 माइनस 7 और इट कम्स आउट टू बी 7x माइनस y इज इक्वल टू 42. फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी 7x माइनस y इज इक्वल टू 42. Now, उसके बाद कहता है 3 years from now, three years from now, यानी अब से 3 साल बाद. 3 साल बाद तो पहले 3 साल बाद एज निकाल लो. एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 years, एज ऑफ आफ्ताब वाई प्लस 3 years. तो कहता है आफ्ताब कहता है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड As you will be. So according to the sum, आफ्ताब की एज कितनी है y plus 3, तो 3 times होगा अपनी जो डॉटर है, तो 3x plus 3. On further solving y plus 3 is equal to 3x plus 9. Y उधर ले जाएं, तो 3 minus 9 is equal to 3x minus y. Which implies 3x minus y is equal to minus 6. Second equation. तो इस तरीके से दो equations आपके पास आ गई. उसके बाद कहता है represent this situation algebraically and graphically. इसे algebraically हमने represent कर दिया, इसके बाद कहता है graphically. तो इसका graph draw करना होगा. graph के लिए आप टेबल बना लें, जैसे इस इक्वेशन का यदि मैं टेबल बनाना चाहूं
चलिए रब कर देते हैं आगे, इसी पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन हमारी ये रही फर्स्ट। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, योर फर्स्ट इक्वेशन इज 7x minus y इज इक्वल टू 42। सो फॉर्म इट्स टेबल एज वी डिड इन 9th क्लास। X, Y. If we put X is equal to 0, Y is equal to minus 42. If we put Y is equal to 0, if Y is equal to 0, X is equal to 6. Yes. Second, similarly 3X minus Y is equal to minus 6. Form its table. X, Y, value of, if we substitute X is equal to 0, Y is equal to 6, and if we put Y is equal to 0, X is equal to minus 2. So, now we have to plot the graph. अब हमें इसका एक graph draw करना होगा, जैसे कि आप 9th क्लास में करते थे। तो पहले ही पता कर ले हम ग्राफ कैसा आएगा, यदि मैं वेरिएबल्स के थ्रू देखूं a1 अपॉन a2 हमारा कितना आ रहा है 7/3, b1 अपॉन b2, b1 मीन्स y का कॉफिशियंट -1 -1 तो 1/1, और c1 अपॉन c2 -6। तो यहीं से पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2 के। When a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो इसका क्या आएगा? Intersecting lines आएंगी। यहीं से पता चल गया कि हमारी पहली condition जो लिखवाई थी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो intersecting lines आएंगी। चलिए graph draw करते हैं। हम देखें x की वैल्यू 6 तक है, y 42 तक है, तो 6 तक ले लेते हैं एक को 6 के इक्वल ले लेते हैं, आप वहां स्केल से बनाना प्रॉपरली, मैं अप्रोक्सीमेशन में बना दे रहा हूं इस ग्राफ को। -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42, -48 and so on. Now x0y minus 42 means ये point आपका आ गया x6y0 और ये पॉइंट आपका आ गया x6y0। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
इस टाइप से ना एक्स जीरो वाई सिक्स, एक्स जीरो वाई सिक्स ये पॉइंट आपका आ गया और एक्स माइनस टू वाई जीरो, एक्स माइनस टू वाई जीरो ये पॉइंट आपका आ गया तो इस तरीके से लाइनें जाएंगी तो अपने आप हम देख रहे हैं आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इस तरीके से हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हम से सॉल्यूशन के लिए नहीं कहा ओनली क्या रिप्रेजेंट ग्राफिकली तो ग्राफिकली सिर्फ रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इन लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इस तरीके से आप अपने सम कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 की बात की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम था जो अभी हमने किया है इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में आपके चार सम है तीन सम तीन या चार सम है तो पहली एक्सरसाइज आपने फिनिश करनी है साथ साथ सेकंड एक्सरसाइज भी ले ले रहे हैं और टू सेकंड एक्सरसाइज 3.2 कुछ सम्स एक्सरसाइज 3.2 के भी करते हैं क्योंकि 3.2 भी आपकी ग्राफिकल मेथड के ऊपर ही बेस्ड है एक्सरसाइज 3.2 फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस कि आपके उनके सॉल्यूशंस भी बताने हैं फर्स्ट सम कहता है एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सम 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज Number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. So 10 students